विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां छोट प्लेन क्रैश भा है, जेमा कैप्टन विमल के मौत के पुष्टि भई। अपना पंचन का बताए दे कि चौराहटा हवाई पट्टी से उड़ा प्रशिक्षु प्लेन पास के गांव उमरी में क्रैश हो गया रहा। बतावा जात है कि या आमा के पेड़ में टकराए के बाद मंदिर के गुंबज में टकराव भरा है, जेके बाद एरोप्लेन के चिथड़ा उड़ गए। हल्ला सुनी के पास के रहने वाले मौका में पहुंचे ता उनकर होश उड़ गए। पहले तो समझिन के कौनो वाहन के एक्सीडेंट भा है। मलबा देख के जानकारी भई कि प्लेन में पायलट विमल और एक अन्य प्रशिक्षण लेत रहा। प्लेन में फंसे पायलट का बेल्ट काट के उपचार के खातिर अस्पताल पहुंचावा गा, जहां कैप्टन विमल का डॉक्टर के द्वारा मरा हुआ घोषित कर दीन गा। यह घटना की जानकारी पुलिस का भय था, मौका में पुलिस पहुंची और मौका मुआयना की हिसी। मौका में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला पहुंचे और सवेर होता है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प और ADG KP वेंकटेश्वर राव मौका में पहुंचे। बताए दे कि मौका मुआयना करे के बाद ट्रेनी पायलट के हाल जाने खातिर ADG KP वेंकटेश्वर राव संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के डीन और विशिष्ट शिक्षक से हाल जानी। इस दौरान ट्रेनी पायलट की हालत खतरा से बाहर बताई जात लागी, जेकर उपचार वरिष्ठ डॉक्टर कह रहे हैं आई सुनीत हैं। यह घटना का लेके वरिष्ठ अधिकारी इनके द्वारा का जानकारी दी गई। जो हमको इसकी सूचना मिली तो ये था कि जो एक थे विमल कुमार, वो तो जब आए थे तो ब्रॉड डैडी थे, दूसरे थे सोनू यादव जो लाए गए, जो जिनकी हालत मतलब जो घायल हुए थे, तो उनकी भी अगर देखा जाए तो बाकी शरीर में तो चोटें नहीं हैं इतनी, सिर्फ सिर में चोट है उस वही है। और जो न्यूरो सर्जन ने भी देख लिया, उनके सारे स्कैन और सारी जाँचें हो गई हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि खतरे की बात तो नहीं है और धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे जो उनके सिर की चोट है उससे भी। अभी संभाग के अधिकारी भी मिलने आए थे। जी जी, तो वो सब यही देखने आए थे कि उनकी कंडीशन कैसी है और यही कि भाई उनका इलाज अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका हालचाल पूछने के लिए आए। कहाँ कैसे चोट आई है? उनके सिर में चोट ही आई है, तो वो जो सिर की चोट है वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी, बाद बाकी और कोई बॉनी इंजरी तो नहीं है, एक सिंपल फ्रैक्चर है उनको। उनकी डेथ हो गई है, उनको गहरी चोटें थी, कुछ अब ये तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि उनको क्या चोटें आई थी, और अभी बॉडी रखी हुई है, जैसे PM होगा तो उस टाइम पर पता चल जाएगा उसकी क्या चोट। ये प्लेन क्रैश तो मैं जैसे कि बताया आप लोगों को, प्लेन क्रैश रात में 11:30 बजे हुआ है। ये सेसना एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसमें जो ट्रेनर है विमल कुमार और ये सोनू यादव थे जो ट्रेनी हैं, तो रात में 11:30 बजे एक क्रैश हुआ था वहाँ उमरी गांव में, है ना। और पायलट को जो ट्रेनर था सुलाते लाते यहाँ हॉस्पिटल में उसका मृत्यु हो गई। बाकी ये सोनू यादव अभी आउट ऑफ डेंजर है, ऐसे डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो क्या वजह थी सर, क्या कुछ मालूम? तो लैंडिंग में फॉग था, ज़्यादा कोह रहा था, उसकी वजह से दिक्कत आई है। मौसम खराब था। इसको उड़ने की परमिशन कैसे, इसकी जांच ये उसमें तो जांच के विषय है, इंक्वायरी कराएंगे इसमें, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। अभी तो नॉर्मलाइज हो रहा है, तो अभी आउट ऑफ डेंजर है बता रहे, सिटी स्कैन वगैरह हुआ है, हेड इंजरी वगैरह नहीं। खबर रीवा से ही, जहां रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 से लगी जूला बस्ती के लोगन के खातिर स्थायी पट्टा के मांग का लेके पूर्व महापौर प्रत्याशी रहे इंजीनियर दीपक पटेल रैली निकाली नहीं और स्थायी पट्टा के मांग करी नहीं। प्रदर्शनकारियों के द्वारा जौन तख्ती लीन गई रही ओहमा साफ लिखा रहा है कि पट्टा दे या फांसी दीन जाए। स्थानीय लोग पट्टा का मांग का लेके ज्ञापन सौंपी नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के महापौर के चुनाव लड़ चुके इंजीनियर दीपक कहिन कि अगर एक महीना के अंदर प्रशासन बस्ती के लोगन का स्थायी पट्टा नहीं दिस तो उग्र आंदोलन हुई। अपना पंचन का बता दें कि कुछ लोगन के उन्हें के स्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुका है, लेकिन कुछ लोगन का आज तक पट्टा नहीं मिलाया, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी जूला बस्ती के लोगन के साथ उग्र आंदोलन करे के चेतावनी दी है। आई अपना पंचन का सुनाई थे आप पार्टी के प्रत्याशी रहे दीपक पटेल का चेतावनी दी है। जिला बस्ती को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो। जिला बस्ती को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो। जिला बस्ती को आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जिला बस्ती के लोगों के साथ में लगातार जिस तरह से जिला बस्ती को पूरी तरह से न्याय संगत में ना रखकर लगातार जब चुनाव BJP और कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनको यही कहते हैं कि जिस दिन चुनाव ख़त्म होगा अगले दिन आपका पट्टा आपके घर पर होगा, उसी पट्टे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं।
महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को वहाँ पे घर भी प्राप्त हुए हैं, कई लोगों को अस्थाई पट्टा कुछ दिनों पहले विगत कुछ वर्षों में दिया जा चुका है। पर जब स्थाई पट्टे की बात आती है तो आज तक जूला बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। 70 साल से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं और ऐसा पता लगा है जिस तरह से, पता नहीं आज के जबलपुर के जो व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं रीवा के अंदर, जिस तरह से सिविल लाइन को पूरी तरह से बेचने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर और कांग्रेस के महापौर लगातार कर रहे हैं, उन ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द जूला बस्ती में भी बुलडोजर चलने वाला है और गरीबों का आसियाना फिर से संकट में आने वाला है। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित हुए? वहाँ पे लगभग 200 से 250 परिवार ऐसे हैं जो आज भी पट्टे के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पट्टा नहीं उपलब्ध हो पाता तो आगे क्या करेंगे फिर आप? हमारे जो ज्ञापन पत्र में मांग है कि 30 कार्य दिवस के अंदर यदि पट्टा प्रदाय हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अभी तो हम लोग कम संख्या में उपस्थित हुए हैं, आने वाले टाइम में हम लोग यही पे टेंट पंडाल लगाकर, और क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वहां तो बुलडोजर चलने ही वाला है तो हम लोग कलेक्ट्रेट में ही अपना घर बनाकर रहने का काम करेंगे। रीवा जिला के चौराहा थाना के लगे फाल्कन एविएशन ट्रेनिंग कंपनी का 2-सीटर विमान क्रैश हो गया है, जेमा खास पायलट के मौत हो गए जबकि ट्रेनिंग ले रहा पायलट घायल भा है। सगली घटना में अभी तक कंपनी के लापरवाही के साथ साथ रीवा प्रशासनों के लापरवाही सौहे आई ही। बता दी कि यह घटना के बाद आनन फानन में जांच के बाद दोषी पाए जाए पर कार्यवाही करे के बात कही गई ही और वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही करे के बात कह के अपन पल्ला झाड़ ली ही। बताई दी कि रीवा जिला एक ऐसा स्थान है जहां अन्य जिलन से ब्लैक लिस्टेड भगोड़े ठेकेदार बिल्डर और कंपनी आय के अपन कारोबार आसानी से जमा लेती हैं। कहे कि यहाँ न तो जान और न जमीन केहू के कोनो कीमत नहीं आए। यह छोट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होए के बाद रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा प्रशासन और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाई थी। बताई दी कि अजय मिश्रा बाबा कहीं के फाल्कन एविएशन अकेडमी के विमान पहले फैजाबाद एयरपोर्ट से उड़ा रहा जौन सरयू नदी के किनारे क्रैश हो गया रहा। उस समय जांच में जानकारी आई रही कि ओ कंपनी के लापरवाही के कारण घटना घटित भय रही जेखा ट्रेनिंग के खातिर परमिशन उहन नहीं दीन गई, लेकिन एक कंपनी का रीवा में शरण मिली। ओके पीछे वजह यह रही कि रीवा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं आए जेके चलते यह कंपनी के कमी उजागर ना हो पावत और इहन के लोगन का विकास दिखाए के वाहवाही लूटी जा सकत रही। बताई दी कि एक तरफ हवाई पट्टी के विस्तार कई के एयरपोर्ट बनावा जा रहा तो दूसरे तरफ यह मेयर के घोर लापरवाही कई के किसान और हवाई अड्डा के आसपास रहे वालन के खातिर मुसीबत बन के खड़ी हो रही है। जिनखर जमीन और चली गए अब जाने जाए के कगार में ही। ये अपना पंचन का सुनाई थे महापौर अजय मिश्रा बाबा कौन मेयर के गंभीर आरोप लगाई नहीं और के ही जवाबदार ठहराई नहीं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये फाल्कन एविएशन अकेडमी उत्तर प्रदेश फैजाबाद की है, ये यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए इन्होंने यह परमिशन ली थी कि यहाँ पर रीवा में हम फ्लाइंग स्कूल संचालित करेंगे और रीवा के लोगों को एडमिशन देंगे। उन्होंने यहाँ पर किसी भी रीवा के किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं दिया ना किसी व्यक्ति को दिया। इन्होंने बाहर के छात्रों को गोपनीय तरीके से, जो क्या था कि जो ये इनका जो फ्लाइंग स्कूल था वो फैजाबाद में संचालित था और 27 अप्रैल 2018 को वहाँ पर भी इसी तरह एक प्लेन क्रैश हुआ इनका, उसके कारण इनका वहाँ से लाइसेंस निरस्त हो गया। जब इनका लाइसेंस वहाँ निरस्त हो गया और चूँकि वहाँ ACT का टावर है तो ACT का जो कंट्रोल टावर होता है उस पर ये राडार पे आ गए तो इनको वहाँ पर अनुमति मिल नहीं सकती थी। वहीं से ये रीवा में ये जहाँ से भी अपनी सेटिंग बनाए हों, जहाँ से भी जुगाड़ किया हो, केंद्रीय मंत्रालय का मामला है, इन्होंने यहाँ पर एक ये देखा कि हवाई पट्टी डेड पड़ी हुई है, इसका उपयोग कर लिया जाए और इन्होंने अपनी गुणा भाग करके इसका उपयोग किया और उसका ये नतीजा निकला कि रीवा में एक हादसा हुआ। अगर ACT कंट्रोल टावर होता तो इनको अनुमति न मिलती। और मेरे को तो ये भी जानकारी मिली है कि 19/12/2022 को इनका अनुबंध भी समाप्त है
अनुबंध समाप्त है या कि लाइसेंस समाप्त है, जो भी हो, तो ये तो जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है कि उनको इनका लाइसेंस वाइसेंस सब प्रॉपर हर महीने मंथ चेक करना चाहिए, इनके एयरक्राफ्ट कैसे हैं इसकी जानकारी उड़ान विभाग से लेनी चाहिए केंद्र से, तो जिला प्रशासन गलती है। और रीवा के विकास पूर्व हवाई पट्टी चौड़ी करने का ठेका ही ले रखे हैं हमारे माननीय पूर्व मंत्री जो 15 साल पावरफुल मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के और रीवा के विधायक वर्तमान में हैं, उन्होंने तो ये कसमें खा ली है कि रीवा को जब तक पूरी तरह से विनाश के कगार में नहीं बैठा देंगे तब तक वो मानेंगे नहीं, और उस कार्य में वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि DGCA के नियम अनुसार कोई भी फ्लाइंग जो कि जब मतलब ये ट्रेनिंग विमान होते हैं वो ज़मीन से 2000 फीट की ऊंचाई पे ही उड़ने की अनुमति उनको दी जाती है, पर ACT के टावर कंट्रोल टावर न होने के कारण इनको ये पूरा फ़ायदा मिला और उसका आज खामियाजा रीवा को भुगतना पड़ा। जो पायलट खत्म हो गए वो भी 60 प्लस थे और इसमें काफ़ी, अब देखिए इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, जब गाड़ी के ड्राइवरों की 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है तो पायलटों को तो और पहले होता होगा क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका और उसकी आँख की विजिबिलिटी ये सब देखा जाता है कि आँख में कितनी दूर तक का दिखाई देता है। अब ये होगा उसमें कुछ मापदंड तो वो देखा इसकी ये जाँच का विषय है, पर मैं ये बता दूं कि किसानों की ज़मीन को लेकर और वहाँ पर किसानों को ज़मीन का अनाप शनाप मुआवजा देना, पहले भी कई किसानों की ज़मीन ले ली गई थी और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है रीवा की किसानों की वो, और उसको लेकर और इस तरह का कि एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, बड़े बड़े प्लेन उतरेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप तो नेट उठाकर देखिए जो रेगुलर फ्लाइट थी अल्टरनेट में हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि लोग अपना परिवार चलाएंगे कि हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, डीजल की कीमत बढ़ी हुई है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी हुई है, इसमें भी ईंधन लगता है, जब ईंधन लगेगा तभी ना चलेगा, सब कुछ बढ़ गया, तो ये सिर्फ सौदेबाजी का खेल चल रहा है। रीवा में ज़मीन का भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण है, सरकारी ज़मीनों को बेचना, अब किसानों की ज़मीन में नंबर लग गया, कभी रिंग रोड के नाम से हैं, कभी उसके एक्सटेंशन के नाम से, मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ओबीसी महासभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कम संख्या समाज के संयुक्त तत्वाधान में क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले जयंती समारोह 8 जनवरी 2023 का रविवार के दिन लगभग 11 बजे पद्मधर पार्क कोठी कंपाउंड के लगे मनावा जाए, जेका लय के सांसद बुद्धसेन पटेल प्रेस वार्ता कई के जानकारी दी है। मैं बुद्धसेन पटेल पूर्व सांसद हूँ रीवा से, आने वाली 8 जनवरी को रीवा पद्मधर पार्क में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के तत्वाधान में ओबीसी महासभा की तरफ से पूरे ज़िले की ओर से बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो ओबीसी 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनकी जनगणना के लिए, इस देश में सबकी जनगणना की गई लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जनगणना नहीं की जा रही या की गई है तो उसको अलाउंस नहीं किया जा रहा। तो हम लोगों की पहली मांग है कि जब इस देश में आरक्षण चल रहा है, इस देश में तमाम सारी चीज़ों जाति की संख्या के आधार पर चल रहा है तो हम लोगों की जाति की जनगणना जो है होनी चाहिए। दूसरा जो भागीदारी है रिजर्वेशन, तो भागीदारी आज़ादी का 75 साल बीत गया लेकिन हम लोगों को जो SC और ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन्हें इनकी जनसंख्या के बराबर आज तक भागीदारी पूरी नहीं हुई। रिजर्वेशन तो SC ST को सन 1952 से लागू है लेकिन इनकी संख्या के बराबर इनकी भागीदारी अभी भी पूरी नहीं हुई। तमाम जगह निकलती है तो जगह में खाली छोड़ देते हैं और कह देते हैं योग्य लड़के नहीं मिले, फिर उनको सामान्य वर्ग से भर्ती कर ली जाती है। तो इस तरह से जो सौतेलापन का व्यवहार माने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हो रहा है, तो हम लोगों की मांग है कि ये जो अन्याय
और सौतेलापन हम लोगों के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम सारी चीज़ों को रैली के माध्यम से, सभा के माध्यम से सरकार को, प्रदेश को सरकार को और केंद्र की सरकार को, दोनों सरकारों को ये बताने के लिए कि इस देश में हम लोग भी हैं और हमारी संख्या है, तो हमें इग्नोर करके ना चला जाए। हम ज़रूर हम लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर क्या है, पढ़ाई लिखाई कमज़ोर है, शासन प्रशासन में कम है, और शासन प्रशासन में कम होने की वजह से हमारी हालत जो है इसमें दयनीय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अपन 5 सूत्री मांगन का लेके कमिश्नर का ज्ञापन सौंपी ही। बताए दें कि ये दौरान जल्दी निराकरण के मांग की गई है पार्टी के द्वारा। खास रूप से किसानन के सबसे बड़ी समस्या खसरा के समस्या है, जेमा नाव पटवारी गलत करत है या ऑपरेटर ओखर खामियाजा किसानन का भुगते पड़त लाग है। सुधार के खातिर किसानन का तहसील से लेके कलेक्टर कार्यालय तक दौड़े पड़त है। आइए अपना पंजन का सुनाई थे ज्ञापन सौंपे पहुंचे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आनंद तिवारी का, जो किसानन की समस्या का लेके ज्ञापन सौंपे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 5 सूत्री ज्ञापन रीवा संभाग के संभागीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया है और उसमें त्वरित निराकरण की मांग की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, खसरे में नाम पटवारी गलत करता है या तो ऑपरेटर गलत करता है और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, जिसके संबंध में किसान पहले SDO के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करता है, अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और उसमें एक शासन द्वारा नया निर्देश जारी किया गया है कि 5 साल पुरानी फाइलें जो है कलेक्टर के यहाँ जाएगी। अब जब कलेक्टर के यहाँ वो फाइल जाती है तो एक एक साल तक सभी तहसीलों की फाइल एक एक साल से कलेक्टर के यहाँ डंप पड़ी है और उसमें उनके द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई किसानों के लिए, वो गलत नाम होने के कारण उसका पूरा जो रिकॉर्ड है किसी योजना का उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वो बच्चियों की शादी करना चाहता है, बिक्री करना चाहता है, तो गलत नाम होने के कारण बिक्री नहीं हो रही है, एक ये है। दूसरा, बिजली विभाग में जो मनमानी तौर पर बिना मीटर रीडिंग लिए बिल दिया जाता है उसके संबंध में। तीसरा, सबसे प्रमुख चीज़ जो है, तो गांव में आप चले जाइए तो ऐरा प्रथा जो थी उसमें पूर्व में जब कांग्रेस सरकार रहा करती थी तो काजी हाउस की व्यवस्था होती थी। अब वर्तमान में BJP सरकार द्वारा गौशाला खोल दिया गया, गौशाला में मात्र भ्रष्टाचार हो रहा है, खरबों खरब रुपए उसके नाम पर, गौशाला के नाम पर बंदरवाट किया जा रहा है और गांव में किसानों की जो खेती है वो पूर्णतः बर्बाद हो रही है। इस शीतलहर का मौसम है, ठंडी है, किसान रात रात भर अपनी खेती ताकते हैं फिर भी नहीं बच पा रही है। चौथी समस्या, बेरोजगारी की वजह से जहाँ एक तरफ युवा हमारा खुशखुशी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में बेरोजगार न मिलने से बच्चों की शादी नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि मुझे तो नौकरी वाला लड़का चाहिए, सरकार नौकरी दे नहीं रही है। इसके अलावा अन्य जैसे PM आवास हो गए, PM आवास में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, शहर में 2.5 लाख रुपये दिया जा रहा है और गाँव में 1,20,000 दिया रहा है, जबकि गांव में भाड़ा जो वाहन का किराया है वो अतिरिक्त लगता है, वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सूत्री ज्ञापन माननीय संभागायुक्त महोदय को सौंपा गया है और अगर इसका त्वरित 1 माह के अंदर निराकरण नहीं होता तो तहसील स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। क्या आश्वासन मिला उनको? उनके द्वारा, कमिश्नर महोदय द्वारा कहा गया है कि यथासंभव शीघ्र निराकरण किया जाएगा। आज खातिर इतने, बघेली माँ विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।